तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल हमने देखा था जुडिशियल रिव्यू एंड करेंसी सिस्टम। इसने करेंसी में क्या क्या रिफॉर्म्स करे थे और जुडिशियली क्या क्या रिफॉर्म्स करे थे। आज हम क्या देखेंगे? इसके लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। किसके? शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी कौन था? सू डायनेस्टी, जो जिसने स्टेबलाइज करी थी कहाँ पे? दिल्ली में। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। उसके बाद में जो भी शेरशाह सूरी का जो भी प्रोसेस रहा, जो स्ट्रगल रहा, वो सब हमने कहाँ कवर किया है? वो हमने हुमायूं में कवर कर लिया है। तो आज हम क्या देखेंगे? इसके लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं एक एक से। इसका पहला रिफॉर्म क्या था? इसने लैंड को मेजरमेंट करवाया था। शेरशाह लैंड मेजरमेंट। क्या? लैंड मेजरमेंट किसने करवाया था? शेरशाह। इसके बाद में जब ये लैंड मेजरमेंट हो जाता है, फिर ये एक शब्द यूज करता है। क्या यूज करता है? सिकंदरी गज। मतलब जो आज अपन घर प्लॉट या कुछ भी लेते हैं तो वो अपन को गज के अकॉर्डिंग मिलता है, एक गज दो गज। तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले जो गज को एक लागू करा था, एक मतलब हम ये कह सकते हैं उसको इम्पोस्ट करा था। किसने करा था? शेरशाह ने। किस नाम से किया था? सिकंदरी गज। क्या होता है? सिकंदरी गज। सिकंदरी गज मतलब एक गज दो गज तीन गज, ऐसे। इसका क्या नाम था? सिकंदरी गज। किसने लागू किया था? शेरशाह सूरी ने। और क्या किया था? अपना जो लैंड था उसको मेजरमेंट कराया था, मतलब उसकी नपाई कराई थी कि आपका कितना लैंड है उसमें। मान लीजिए आपका 100 बीघा है तो 100 बीघा का ही आपको टैक्स देना है। ये नहीं है कि अगर आपका एक के पास 100 बीघा है तो वो 100 बीघा का टैक्स देगा, एक के पास 20 बीघा है तब भी वो 100 बीघा का टैक्स देगा, ऐसा ना हो। इसलिए उसने हर एक का मतलब अलग अलग पर्सन का अपना अपना लैंड को मेजरमेंट करवाया था कि जिसका जितना लैंड होगा उसको उतना रेवेन्यू मतलब टैक्स देना पड़ेगा। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। इसके बाद में इसने दो टैक्सेस भी लगाए थे। कौन कौन से टैक्सेस थे वो? पहला था टू टैक्सेस इम्पोस्ट कराए थे इसने। इम्पोस्ट टैक्सेस पहला कौन सा था? जरी बना। सेकंड था महा सिलाना। क्या क्या था? एक तो जरी बना और एक महा सिलाना। जो जरी बना था वो था लैंड मेजरमेंट टैक्स। लैंड मेजरमेंट टैक्स। सेकेंड जो महाशिला था वो कौन सा था? लैंड रेवेन्यू टैक्स। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन टैक्स। क्या है? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन टैक्स। कौन सा वाला? महाशिलाना। और जरी बना लैंड मेजरमेंट टैक्स। अगर कोई भी लैंड को मेजरमेंट करेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, या कोई करवाएगा या करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स होता है वो? जरी बना। इसके बाद है महासिलाना। ये कौन सा है? जो लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन करेगा उसको भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? शेरशाह सूरी को। मतलब दिल्ली में उस टाइम जो भी कोई भी रियासत राज कर रही होगी उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा। और उस टाइम कौन सी थी? सू डायनेस्टी। किसकी? शेरशाह सूरी की। तो कौन कौन से दो टैक्स थे? जरी बना और महासिलाना। इसके बाद में इसने एक फंड को भी रिलीफ किया था। कौन सा फंड था वो? इम्पोस्ट फेमाइन रिलीफ फंड सेल। कौन सा था? इम्पोस्ट फेमाइन रिलीफ फंड सेल। किसने करा था? शेरशाह सूरी ने। क्या था?
फेमाइन रिलीफ फंड सेल, कौन सा फंड था? फेमाइन रिलीफ। इसके बाद में इसने पट्टे देने चालू करे। पट्टा मतलब क्या होता है? आज भी अपन कोई घर लेते हैं तो पहले अपन को उसका पट्टा बनवाना पड़ता है। पट्टा मतलब जिस मकान का पट्टा होता है वही मकान वैलिड होता है, जिस मकान का पट्टा नहीं है उसको गवर्नमेंट कभी भी सीज कर सकती है। तो पट्टा किसने लागू किया था सबसे पहले? शेरशाह सूरी ने। तो क्या था ये देखते हैं। ही गेव पट्टा, मतलब अब पट्टा क्या होता है? ओनरशिप लेटर, ओनरशिप लेटर कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। क्या होता है ओनरशिप लेटर? कि ये जो प्रॉपर्टी है या कोई भी शॉप है, कोई खेत है या घर है, ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी है, इस पे आपका अधिकार है। वो कौन सा था? पट्टा। इसके बाद में इसने किसको दिया था? ये पीजेंट्स को। किसको दिया था? पीजेंट्स को। इसके बाद में पीजेंट्स इसने, अरे बहुत पीजेंट्स रॉट, कली रियायत एग्रीमेंट, कली आ रहा है मैं, क्या था? एक एग्रीमेंट था, क्या था? एक एग्रीमेंट लेटर था। उसको क्या बोला करते थे? राय, रे और राय। क्या बोला करते थे? या तो रे बोला करते थे या राय बोला करते थे। किससे ये इसने लिखवाया था? पीजेंट्स जो थे, जिनको भी ओनरशिप पट्टा मिला था, जिनको भी अपना जमीन का पट्टा मिला था, उनसे इसने एक एग्रीमेंट साइन करवाया था। क्या था? कलीरथ। उसको क्या बोलते हैं हम? या तो रे बोलेंगे या राय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे या राय बोलेंगे। इसके बाद में इसने जो जितने भी लैंड रेवेन्यू टैक्स जो कलेक्शन करते थे लोग, उसमें से इसने जो थर्ड पर्सन होता था बीच का, मतलब किंग और जिसकी जमीन है वो, मतलब पीजेंट, पीजेंट और राजा के बीच का जो जो मान लीजिए जमींदार हो गया या फिर जो भी कलेक्ट करता था उस टाइम में, उसने उसको हटा दिया। जितना भी टैक्स आएगा, और जो जैसे मान लीजिए मैं टैक्स दे रही हूँ तो मैं सीधा राजा को टैक्स दूंगी, मैं थर्ड पर्सन को टैक्स नहीं दूंगी, मैं सीधा सर को टैक्स दूंगी। अब मान लीजिए मैं सर की कंपनी में काम कर रही हूँ तो सर मुझे पेमेंट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले मेरे भाई को करेंगे फिर मेरा भाई उसमें से आधा खाएगा फिर वो मुझे देगा, नहीं, सर सीधा मुझे देंगे और मैं सीधा सर को दूंगी। क्या जितना भी अब मेरा काम है मुझे वीडियो बना के सर को देना है, तो मैं सर को वीडियो बना के दूंगी, उसका सर मुझे पेमेंट करेंगे। कौन करेंगे? सर पेमेंट करेंगे, सर सीधा मुझे पेमेंट करेंगे ना, थर्ड बंदे को तो करेंगे नहीं। मान लीजिए मेरा भाई बीच में हमारा मीडिएटर है तो सर मेरे भाई को करेंगे, मेरा भाई उसमें से आधा खाएगा फिर वो मुझे सिर्फ 20% देगा, 80% कौन खा गया? मेरा भाई खा गया। इसलिए ये जो भी घूसखोरी हो गई थी, करप्शन हो गया था, इस सब को हटाने के लिए शेरशाह सूरी ने थर्ड पर्सन को ही हटा दिया। आप सीधा सल्तनत को टैक्स देंगे और सल्तनत से आप जो भी लेना है आप सल्तनत से लेंगे, ना कि थर्ड पर्सन कोई लेन देन करेगा। तो उसने क्या करा था? रिमूव कर दिया था थर्ड पर्सन को। किसको? थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं जमींदार। किसको? जमींदार को। बर रिमूव, इसने हटा दिया रिमूव, ठीक है। इसके बाद में जो टैक्स था वो डायरेक्टली कलेक्ट होगा, डायरेक्टली कलेक्ट होगा। क्या होगा? इसमें कोई भी थर्ड पर्सन नहीं रहेगा जो अपनी करप्शन करेगा या कुछ भी करेगा, थर्ड पर्सन होगा ही नहीं इसमें। बस यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आज हमने देखा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कल हम देखेंगे इसका आर्किटेक्चर, किसने क्या क्या बिल्ड करवाया था। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।